हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिर्ची न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड 2020 का जो टाइम टेबल है उसके बारे में, 12वीं, 10वीं, 8वीं, 5वीं क्लास के टाइम टेबल के बारे में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन है, छोटी या बड़ी, वो समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम टेबल है वो बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइम टेबल देखने के लिए आपको rkla.in वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप स्वयं इस वेबसाइट पर आकर ये टाइम टेबल आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से आप ये टाइम टेबल देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन है, rkla.in। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड जो 12वीं क्लास का टाइम टेबल है 2020 का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये टाइम टेबल है वो देखिए, स्टार्टिंग डेट आपकी, अभी तक तो ऑफिशियल टाइम टेबल है वो तो जारी किया नहीं गया है। जैसे ही ऑफिशियल टाइम टेबल आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि ऑफिशियल टाइम टेबल आपका आ चुका है। यहाँ पर देखिए, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से स्टार्ट होगी और 2 अप्रैल तक चलेगी। अब ये फिक्स नहीं है कि कौन सी की 2 अप्रैल तक चलेगी, पर 2 अप्रैल तक आपकी एग्ज़ाम चलेगी। ऑफिशियल टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल टाइम टेबल आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत बता देंगे कि आपका ऑफिशियल टाइम टेबल है वो आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑफिशियल टाइम टेबल है वो कब तक आने वाला, तो यहाँ पर देखिए एमपी बोर्ड टाइम टेबल 2020 अवेलेबल सून लिखा है, यानी जल्द आपका इस दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग वीक यानी फर्स्ट वीक तक ये टाइम टेबल है वो 100% जारी कर दिया जाएगा 12वीं क्लास का एमपी बोर्ड का। तो जैसे ये टाइम टेबल आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि टाइम टेबल है वो आपका आ चुका है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 12वीं क्लास के जो मॉडल पेपर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार जो हर बार बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, 12वीं क्लास के और 10वीं क्लास के, 8वीं क्लास के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों, 12वीं क्लास का टाइम टेबल हो गया है वो जल्द आने वाला है ऑफिशियल टाइम टेबल, अभी तक ऑफिशियल टाइम टेबल नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल टाइम टेबल आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अभी तक तो ये बस यही बताया गया है कि 2 मार्च से स्टार्ट होगी, 2 अप्रैल तक एग्ज़ाम चलेगी। अब देखिए दोस्तों, अब बात करें एमपी बोर्ड के टाइम टेबल के, जो 10वीं का टाइम टेबल है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, एमपी बोर्ड की जो 10वीं का टाइम टेबल है वो देखिए, ये भी rkla.in वेबसाइट पर ही मिलेगा आपको। इस वेबसाइट की लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस पेज की लिंक, उस पेज की लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये वेबसाइट दोस्तों आपके सामने ओपन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है एमपी बोर्ड 10वीं टाइम टेबल 2020। तो देखिए दोस्तों, इस टाइम टेबल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं, एमपी बोर्ड 10वीं टाइम टेबल 2020 बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। ताज़ा जानकारी के लिए आप हमेशा रोजाना देखिए दोस्तों www.rkla.in पर विजिट कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी सही और सटीक तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों, 10वीं का भी टाइम टेबल है वो अभी तक ऑफिशियल टाइम टेबल नहीं आया है। देखिए कब तक आने वाला है, तो दिसंबर में बताया गया, यानी दिसंबर में आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। तो दिसंबर लास्ट तक दोस्तों ये टाइम टेबल आपका बोर्ड का वो जारी कर दिया जाएगा। अगर दिसंबर में नहीं आता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में तो आपका गारंटी के साथ 100% टाइम टेबल है 10वीं का वो जारी कर ही दिया जाएगा। और जैसे ये टाइम टेबल आएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि टाइम टेबल है वो आपका आ चुका है, आप तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों, 10वीं के जो पेपर हैं, मॉडल पेपर, वो भी मैं आपको जल्दी लेकर आने वाला हूँ, कल या परसों में आपको वीडियो के माध्यम से डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल पेपर। तो आप वो भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वो पेपर और एमपी बोर्ड 10वीं से रिलेटेड हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टाइम टेबल भी देख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड टाइम टेबल है, 1 मार्च 2020 को ये एग्ज़ाम होगी, 8 मार्च, 5 मार्च, 12 मार्च, 27 मार्च, ये तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी तक ऑफिशियल टाइम टेबल की अनाउंसमेंट यानी ऑफिशियल टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है। अब बात करते हैं 8वीं और 5वीं के टाइम टेबल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, 8वीं और 5वीं के टाइम टेबल की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो देखिए, ये एमपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है
वो है दोस्तों, ये इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में मैं 10वीं और 12वीं के जो मॉडल पेपर हैं वो अगले वीडियो में बता दूंगा। 10वीं का बोर्ड टाइम टेबल का जो बोर्ड का पेपर है उसका अलग वीडियो बना दूंगा, 12वीं के टाइम टेबल का और बोर्ड का अलग वीडियो बना दूंगा जैसे ही आएगा टाइम टेबल। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं के टाइम टेबल की बात करें तो ये कब तक आने वाले हैं, यहाँ पर ये भी rklearn.in वेबसाइट पर मिलेगा आपको। रिजल्ट भी दोस्तों आप इस वेबसाइट के थ्रू देखेंगे और इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, 5वीं और 8वीं के टाइम टेबल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मार्च और अप्रैल तक आपकी, मार्च में एग्जाम स्टार्ट होगी 5वीं और 8वीं की, और अप्रैल में अप्रैल तक चलेगी टाइम टेबल ये है। और बात करें कि टाइम टेबल आपका कब तक आने वाला है, ऑफिशियल डेट शीट कब तक आने वाली है, तो दोस्तों ऑफिशियल डेट शीट आपकी भी जल्द आने वाली है, कभी भी आ सकती है। दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले पहले आपकी टाइम टेबल सीट है और डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी एग्ज़ाम लगेगी, पर अभी तक टाइम टेबल डेट शीट आई नहीं है। मार्च में तो आपकी एग्ज़ाम होगी और अप्रैल तक एग्ज़ाम चल सकती है। तो जैसे ही ये टाइम टेबल सीट आएगी, डेट शीट आएगी, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि 5वीं और 8वीं की जो टाइम टेबल डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन है छोटी या बड़ी वो समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।